हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वेन डायग्राम से कैसे किसी भी आर्गुमेंट या सिलोजिज्म को कैसे चेक करते हैं, मींस उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी कैसे पता करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वेन डायग्राम को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उसके बैकग्राउंड में हमको आनी चाहिए, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ आवश्यक है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लॉजिक में जो कैटेगरिकल प्रोपोजिशन है, निरपेक्ष तर्कवाक्य हैं या प्रतिज्ञप्तियाँ हैं, वो चार प्रकार की हैं। पहली प्रतिज्ञप्ति ए प्रोपोजिशन है, जिसको हम लोग सर्वव्यापी स्वीकारात्मक या यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोलते हैं। दूसरी प्रकार की प्रतिज्ञप्ति जो है उसका नाम ई तर्कवाक्य उसको बोलते हैं, और इसका नाम है यूनिवर्सल निगेटिव, सर्वव्यापी निषेधात्मक। इसी तरह से तीसरी जो प्रतिज्ञप्ति है या तीसरा जो तर्कवाक्य है उसको आई तर्कवाक्य बोलते हैं, और आई तर्कवाक्य का जो नाम है हम लोग उसको बोलते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव। हिंदी में इसको बोलते हैं अंशव्यापी स्वीकारात्मक। इसी तरह से जो चौथा प्रकार का तर्कवाक्य है उसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर निगेटिव। हिंदी में इसका नाम है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। अब इसका स्वरूप कैसे होता है वो जानना जरूरी है। देखिए, इन चारों तर्कवाक्य की जो मुख्य पहचान है, पहचान तो बहुत सारी होती है लेकिन जो मेन आइडेंटिटी है, मुख्य पहचान है वो ये है। ए तर्कवाक्य का जो मुख्य पहचान वो ऑल है, ई का नो है, आई का सम है, और ओ का सम के साथ साथ नॉट भी है। ये सभी तर्कवाक्यों की पहचान है कि आप जिससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा तर्कवाक्य है। तो सबसे पहले ए तर्कवाक्य, तो ए तर्कवाक्य का जो स्वरूप बनेगा वो क्या होगा, ऑल एस एच पी। यहां पर किसी भी प्रपोजिशन में ये कहा जाता है कि तीन पद है। तीन पद का कहने का आशय यह है कि एस एस मतलब हिंदी में उद्देश्य और एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, बी फॉर प्रेडिकेट या विधेय, और इज जो है वो कपुला, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने वाला जो काम है वो है कपुला या संयोजन। तो जितने भी हमारी तर्कवाक्य निकलते हैं उनका स्वरूप इस प्रकार से हम लोग ये जानना जरूरी है। अब इतना तो हमारा ये पुराना वाला रिवीजन हो गया है। अब देखिए, आप आएंगे आगे वेन डायग्राम को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले इन चारों तर्कवाक्य को किस प्रकार से लिखते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। बिना इसके हम वेन डायग्राम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमको कैसे ए तर्कवाक्य को हम कैसे लिखेंगे, उसका जो प्रतीकीकरण है, सिम्बलाइजेशन है, वो है एस पी बार। क्या है, एस पी बार इक्वल्स टू जीरो। इसी तरह से ई का है एस पी इक्वल टू जीरो, आई एस पी नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे इक्वल को क्रॉस किया है तो नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से ओ तर्कवाक्य में बोलते हैं एस पी बार नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां पे जो महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन के समय कि कौन सा प्रपोजिशन कैसा है और उसका प्रतीकीकरण क्या है। तो सिंपल सा एक चीज याद रखिए कि चारों तर्कवाक्य जो हमारे हैं कौन से, ए ई आई ओ, इनका इनको कैसे क्रम से लिख लीजिए, सब में सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इसके बाद सबसे पहली प्रतिज्ञप्ति के पी के ऊपर बार, और सबसे लास्ट की प्रतिज्ञप्ति के ऊपर पी के ऊपर बार, और जो अंशव्यापी तर्कवाक्य है, अंशव्यापी तर्कवाक्य हो गए आई और ओ, उसके बीच में क्रॉस, मतलब नॉट इक्वल टू का साइन बनाना है आपको।
ठीक है, इसके बाद हम आप आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये महत्वपूर्ण है कि एस पी बार इक्वल टू जीरो, इसका आशय क्या है, इसको हम वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे, इसका रेखा चित्र या इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए ये हमने कुछ बनाया है। अब आपको इस समझाने के लिए कि इसमें कितने पद है, एस और पी दो, तो दो हम सर्किल बनाते हैं, एक एस एक पी, ये सर्किल आपस में एक दूसरे को कटे हुए बराबर मात्रा में कटे हुए बनाते हैं। इसके बाद एक को हम एस मानते हैं और दूसरे को पी। अब देखिए यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पोर्शन की बात कर रहा है, तो सिंपल सा मेथड है, क्या है कि ये बोल रहा है, इसको याद रखिए हमेशा, इसी तरह से आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको पढ़ना सीखिए कि ये एस और ये पी बार, पी बार मीन्स उसको आपको निगेट करना है, हटाना है, ये समझने के लिए आप समझ लीजिए। तो क्या कहने का मतलब हुआ है कि एस वाले सर्किल से पी वाला सर्किल हटा दीजिए। क्या हुआ, एस वाले सर्किल से जिसमें नेगेशन है, नेगेशन किसमें, पी बार, पी में नेगेशन मतलब बार है, तो एस वाले सर्किल से पी वाला सर्किल हटा दीजिए। तो देखिए क्या हुआ, एस वाले सर्किल, ये एस वाला सर्किल है, इससे पी वाला सर्किल हटाना है, इससे पी वाला, आप देखिए पी हम कहां से जा रहा है इसमें, ये देखिए यहां से जा रहा है, ये जा रहा है, तो पी को हमने हटा दिया, ये हटाया तो कितना बचा, इतना प्रपोजिशन हमारा बचा। तो ये कह रहा है कि ये क्या है, इक्वल्स टू जीरो। जीरो कहने का मतलब है कि वहां पे एक भी सदस्य नहीं है, मीन्स यहां ये एम्प्टी क्लास है। एम्प्टी क्लास, एम्प्टी क्लास का डायग्राम जो होगा वो कैसा करते हैं हम लोग, उस साइड इस तरह से ये प्रपोजिशन का वेन डायग्राम हमने इस तरह से बना दिया। अब देखिए, अब इसको हमने क्या लिखा था, ये कौन सा पोर्शन था, आप समझ लीजिए, एस पी बार। अब ये एक बीच का पोर्शन भी क्या है, ये बीच के पोर्शन को क्या आप लिखेंगे कि इसमें एस भी है और पी भी है, तो इस पोर्शन को हम एस भी है और पी भी है, तो ये एस पी हो गया। तीसरा ये वाला भाग जो बच रहा है हमारा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, इसमें क्या है, पी है और एस नहीं है, एस यहां से हट रहा है तो एस नहीं, ओके। तो इस तरह से हमने सब किया, देखिए ई तर्क वाक्य को हमने इसी तरह से कर लिया कि एस पी इक्वल टू जीरो, तो एस पी कौन सा पोर्शन हुआ, एस पी जो एस भी है और पी भी है, ये क्या है, जीरो, तो जीरो को हमने सेडिंग कर दिया इसको। इसी तरह से अब आई प्रपोजिशन को जब हम करते हैं तो एस पी, आई प्रपोजिशन क्या है, एस पी नॉट इक्वल्स टू जीरो, मीन्स कि जो एस पी वाला पोर्शन है वो जीरो नहीं है। एस पी कौन सा पोर्शन है, बीच वाला, जो एस बी है और पी भी है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, देखिए मैंने इसको अलग से बताया था, ये क्या है, एस पी पोर्शन जीरो नहीं है। जीरो के लिए हम लोग क्या करते थे, सेडेड, एम्प्टी क्लास के लिए सेडिंग करते थे, देखिए यहां पे सेडेड है, यहां पे सेडेड, लेकिन जब ये कह रहा है कि जीरो नहीं है, मीन्स एम्प्टी क्लास नहीं है, तो मीन्स वहां पे कोई ना कोई मेंबर है, तो इसलिए इसको सिंबल करने के लिए हम लोग कहते हैं कि देयर इज समथिंग दैट इज एक्स, एक मेंबर हम कुछ भी मान लेते हैं कि वहां पे एक्स है, तो एक्स हमने यहां पे डिनोट कर दिया कि यहां पे एक एक्स मेंबर है, एम्प्टी नहीं है। इसी तरह से यदि अगली प्रपोजिशन की ओर आते हैं तो वो क्या है, सम एस इज नॉट पी, मीन्स एस पी बार, कौन सा पोर्शन, एस का वो भाग जो पी नहीं है, एस का वो पोर्शन जो पी नहीं है, एस का वो पोर्शन जो पी नहीं है, इतना पोर्शन, ये कह रहा है कि ये जीरो नहीं है, जब जीरो नहीं है तो मीन्स वहां पे कुछ है, तो हम लोग डिनोट कर देते हैं एक्स से कि वहां पे एक्स है, ठीक है। तो ये जो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने जो बताया कि आपको जितने भी आधार वाक्य हैं, सॉरी जितने भी तर्क वाक्य हैं उनका प्रतीकीकरण आना चाहिए। इसके बाद आप वेन डायग्राम, क्योंकि हमको वेन डायग्राम के माध्यम से युक्तियों की वैधता और अवैधता
निश्चित करनी है, उनके बारे में जानना है कि कोई भी युक्ति या कोई भी सिलोलॉजिज्म वैलिड है कि इनवैलिड है, इसलिए किसी भी युक्ति के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए किसी भी युक्ति में तीन पद होते हैं, सब आप लोग जान रहे हैं कौन से पद। पहला एस, इसको हम लोग माइनर टर्म बोलते हैं, पी मेजर टर्म और एम मिडिल टर्म। हिंदी में माइनर को हम लोग अमुख्य, अमुख्य पद, इसी तरह मुख्य पद और ये मध्यम पद। किसी भी आर्गुमेंट में हमने बोला कि तीन पद हैं एस पी एम। एस स्टैंड फॉर आर्गुमेंट में स्टैंड फॉर माइनर टर्म और पी स्टैंड फॉर मेजर टर्म, एम स्टैंड फॉर मिडिल टर्म। हमने एस और पी जब आधार, जब हम लोग प्रपोजिशन पढ़ रहे थे तो वहां पर किसी प्रपोजिशन में ऑल एस इज पी, एक किसी प्रपोजिशन में यहां पे भी एस आ रहा था और यहां पे भी पी आ रहा था। तो लेकिन ये प्रपोजिशन है, क्या है प्रपोजिशन, ये तर्क वाक्य है। तर्क वाक्य में एस जो है वो क्या है सब्जेक्ट और पी क्या है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य है और पी विधेय है, लेकिन यही टर्म यदि किसी आर्गुमेंट में आ जाएंगे तो उनके नेम नोमेनक्लेचर उनका चेंज हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा माइनर टर्म, पी मेजर टर्म और एम मिडिल टर्म। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, कंफ्यूजन मत होइए कि एस तो सब्जेक्ट होता है और पी विधेय होता है। ये एस और पी जब किसी आर्गुमेंट में आएंगे, आर्गुमेंट कब होता है जब जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट आप जानते हैं कि जहां पे दो आधार वाक्य होते हैं एक कंक्लूजन होता है ऐसे, और कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होती है उसमें, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिनोनिम होता है, उसकी हमको वैलिडिटी इनवैलिडिटी चेक करनी होती है। ठीक है, अब जल्दी से हम थोड़ा सा और पार्ट डिवीजन थोड़ा सा और सीख लेते हैं, वेन डायग्राम के लिए ये भी जरूरी है। हमने बोला तीन पद होंगे किसी आर्गुमेंट में तो तीन सर्किल बनेंगे, एक टर्म के लिए एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल और ये तीसरा सर्किल। एक को हम एस मानेंगे, दूसरे को पी मानेंगे और एक लास्ट वाले को तीन मानेंगे। केवल मेरा यहां पर यह मतलब है कि आप हर पोर्शन को पहचाने कि इसको क्या बोलेंगे और इसमें कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए फर्स्ट ये देखिए, ये इतना पोर्शन जो है इसमें क्या क्या नहीं है। तो देखिए इस वाले पोर्शन में पी नहीं है, पी ये पूरा चला गया इधर तो पी नहीं है। इसके बाद एम भी नहीं है, एम यहां से देखिए पूरा जा रहा है नीचे चला गया तो एम भी नहीं और एस है। ठीक, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा एस पी बार एम बार। सेम यदि इसकी हम बात करें इस पोर्शन की तो यहां पे क्या नहीं है, यहां पे एस नहीं है और पी है एम नहीं है। इसी तरह से हम ये बात कर लें तो यहां पे क्या है एस नहीं है, पी नहीं है और एम है। इसमें बात करेंगे आप तो यहां पर देखिए इस वाले पोर्शन में केवल इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या है इसमें केवल पी नहीं, पी का सर्किल यहां से चला जा रहा है तो पी नहीं है। क्या क्या है एस, एस का सर्किल भी है और एम का भी है, पी नहीं है केवल यहां पे इस वाले पोर्शन में। ये वाला जो है यहां पर एस नहीं है, एस नहीं है, पी है और एम है। यहां पर एस है पी है लेकिन एम नहीं है। और ये सेंट्रल जो सर्किल है ये वाला पोर्शन जो है इसमें तीनों चीज है, ये कॉमन है।
इसलिए किसी में बार नहीं है। तो इस तरह से यदि हम सीख गए कि कौन सा पोर्शन आपको हटाना है और किसको हमको सेडेट करना है, तो हम वेन डायग्राम की जो बारीकियां हैं उसके उसकी जो तकनीकियां हैं हम जान जाएंगे और किसी भी आर्गुमेंट को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज केवल आज की क्लास में हम केवल इतना जानेंगे, अगली क्लास में वेन डायग्राम को क्या टेक्निक है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।